आज मैं बना रही हूँ राजमा। ये एक कटोरी राजमा है, मैंने रात भर इसे रख दिया था सोख होने के लिए। 8 से 10 कली लहसुन है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हम छील लिए हैं, 3 हरी मिर्च है, थोड़ी सी बंच में धनिया है, 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं और 2 मीडियम साइज के प्याज हैं। चलिए अब हम इसे चॉप कर लेते हैं सब्जियों को। चलिए मैं इसे बनाना शुरू करूँ। इसमें मैं राजमा को डाल दे रही हूँ। 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, 1 गिलास के इतना पानी है इसमें। अब मैं इसे क्या बोलते हैं, कुछ राजमा 2 सीटी में भी बॉयल हो जाते हैं और कुछ तो क्या बोलते हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं इसे 3 विसल लाऊंगी। मैं लहसुन मिर्च और अदरक कोनी दरदरा सा इसको पीस लूंगी। इस तरह से दरदरा सा मैंने पीस लिया है। इसी तरह से आप 4 सीटी आने तक राजमा को बॉयल कर लीजिएगा। मेरा राजमा थोड़ा सा हार्ड है इसलिए मैं 4 विसल ला रही हूँ, और आप तो 3 विसल में राजमा अच्छे से गल जाता है। कोई कोई राजमा तो 2 विसल में भी होता पक जाता है अच्छा। साइड रख देंगे ठंडा होने के लिए, और तब तक हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें 2 बड़े चम्मच में ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल दूंगी। इसमें जीरा हमारा लाल हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे प्याज जो चॉप करके रखे थे। इसे हम ढक देंगे। इसको थोड़ा ढक देंगे जिससे सॉफ्ट होगी।
हमारा हो गया है, तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे, मैं वापस कुकर में ही पका दूंगी इसे। इसे साइड कर दूँ। राजमा हमारा देखिए कितने अच्छे से गल गया है। तो मैं इसी में ग्रेवी को डाल दूंगी वापस। इसे मेरे को थक लग रही है, तो मैं इसमें करीब एक चौथाई कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इस तरह अब मैं इसे कुकर को बंद कर, दो मैं तेज पत्ते भी डाल दी हूँ इसको मेरे गार्डन का। मैं इसे दो सीटी तक आने तक बॉईल कर लूँगी। ये देखिए हमारा राजमा कितना टेस्टी बना है, गल भी गया है बढ़िया सा। अब इसमें थोड़ी सी धनिया डालूंगी, इसे चला देंगे। अब हम इसे सर्व करके आपको दिखाते हैं। यम्मी सा राजमा बना है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। चलिए गाइस, ये हमारा राजमा रेडी है। अब इसमें हम थोड़ी सी धनिया डाल देंगे इस तरह से। आप भी इस तरह से बनाइएगा, और बना के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।